फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग हाउस की ड्राइंग बनाएंगे। चलिए हम लोग हाउस की ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आप इसे स्केल से खींचे, नहीं तो हैबिट है तो आप इस तरह से खुद से भी खींच सकते हैं लाइन को। एक और लाइन खींचेंगे हम, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन इस तरह से हो, राइट की तरफ। इस तरह से नहीं खींचना है, ना सीधे खींचना है, नहीं, इस तरह से खींचना है राइट की तरफ। और सेम डायरेक्शन में इसी तरह हमें इस लाइन को भी खींचना है, यानी कि राइट की तरफ होना चाहिए हमारा, ठीक है। और फिर अब हम इसे इस तरह से खींच लेते हैं। इस तरह से हमें मिला दिया। इसे थोड़ा सा छोटा रखना है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा छोटा रखें, इससे इस लाइन को थोड़ा सा छोटा रखना है, ओके। अब इस तरह से हम आप क्या करें, लाइन खींचने के लिए हाथ को इस तरह रख ले और फिर इसे रख करके ऐसे उंगली चलाएं, तो वो एक जगह हमारा जो हाथ है वो स्थिर रहेगा और आपकी जो लाइन है वो सीधी ड्रॉ हो जाएगी। अब इसे इस तरह से मिलाना है, स्लोली स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते हमें करना है, ओके। अब इसे भी हमें छोटा रखना है, जैसे हमने इस लाइन को छोटा रखा था उसी तरह इसे भी, इस लाइन को भी छोटा रखना है, ताकि हमारा जो ये लाइन है वो इस तरह से जाए, डायरेक्शन इस दीवार की दूसरी तरफ दिखे। जैसे इतना छोटा ठीक होगा। ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ एक छोटा सा डोर बनाएंगे। फिर हमने देखिए इस हाथ को इस तरह से रखा है। और यह छोटा सा इस तरह से हम दे देंगे। इस डोर को हमें, दरवाजे को कलर कर देना। ये हमारी कुंडी हो गई, ठीक है। ये करना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ भी एक कुंडी, चाहे तो आप इसे इस तरह से कर ले ऐसे। ये हमारा डोर हो गया इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये वाली जो हम, ये इस तरह से, ये एक और डोर हो गई, ठीक है। इस तरफ दो पल्ले हैं दरवाजे के और इस तरफ एक ही पल्ला है। ये बड़ा सा, ये इस तरह से हमने होल दे दिया। यहाँ देखिए हमने एक ये डोर भी दे दिया है, ठीक है। तीन रास्ते हो गए घर के, 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ शेप्स भी मिल जाएंगे इस घर में। क्या मिलेंगे, देखिए आपको ट्रायंगल मिल गया है ना, ये सर्कल मिल गया, और ये कुछ कुछ ये रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल टाइप का ही है ये, लेकिन ये है कि सीधे ना होकर इस तरह से हो गया है। तो इस तरह से आपको इतने सारे शेप्स भी मिल गए हैं इसमें। ये भी हमारा रेक्टेंगल है, ये भी हमारा रेक्टेंगल है ना, और ये छोटा सा सर्कल, 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 ये हाफ सर्कल। तो चलिए अब हम इसे कलर करते हैं। ये हमने लिया रेड कलर और इसे साइड से लगाते जाना है। ध्यान रखना कि हमारा बाहर ना निकले, इसी तरह पूरा कर लेंगे। कलर करने में कितना मजा आता है ना, है ना।
इस तरह इस वाले में भी हमें कलर कर लेना है पूरे में, साइड से करते हुए बाहर ना निकले कलर। अब हम इसमें येलो कलर लगा देंगे। अब मैं डोर को ब्लू कलर से कर रही हूँ कलर। और ये मैंने छोटा सा ब्रश ले लिया है और इससे मैं विंडो को पिंक कलर में कलर कर दूंगी। इधर डोर में पिंक ही कलर अप्लाई कर देती हूँ। ओके, और इसे मैं ब्राउन कलर से कलर कर देती हूँ और ऊपर में रेड कलर से। अब मैं सारा कलर हो गया हमारा। अब आउटलाइन जो है हमारा ब्लैक कलर से, उसे हम फिर से ब्लैक से कलर करेंगे ताकि हमारा झोपड़ी जो है वो एकदम उभर कर आए, बहुत अच्छा लगे देखने में। वीडियो में मैं दूसरी टाइप का हट बनाऊंगी, दूसरे टाइप की झोपड़ी होगी जो कि गांव में अधिकांश देखने को मिलती है, वो जिसमें छप्पर लगा होता है, उस टाइप की झोपड़ी मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वो मैं तुरंत उसे अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, ओके फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा कि किस तरह से हमें ये झोपड़ी बनाना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर से प्रेस, रेड कलर से बटन दिया हुआ है उसे आपको प्रेस करना है और बेल बटन को भी प्रेस करना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।